नैनीताल शहर के पास में स्थित वीर भट्टी से बीते 15 वर्षों से अवैध रूप से मदरसा संचालित का मामला सामने आया है, जहां डीएम वंदना के आदेश पर रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम के समक्ष इसका खुलासा हुआ है। मदरसे में 24 बच्चे बीमार हालत में पाए गए हैं। यहाँ पर पता चला कि बच्चों के लिए ठीक से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और न ही इनके रहने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि कई बच्चे टीवी की बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रशासनिक टीम ने बच्चों के परिजनों को भी सूचना दे दी है। यही नहीं, प्रशासनिक टीम के समक्ष मदरसे में कैद बच्चों ने संचालक व उसके बेटे पर उनके साथ मारपीट व शोषण का आरोप लगाया है। किसी बच्चे के पेरेंट्स ने इसमें शिकायत करी थी, शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बीमार हैं, उनको ठीक से खान पान का उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, या कुछ बच्चों को टीवी की शिकायत है, वो भी बाकी बच्चों के साथ रह रहा है, बच्चों को जो रहने का स्थान है वो भी बहुत गंदा है। इन सारी चीज़ों के साथ जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर जो हमारी DPO हैं, तहसीलदार हैं, जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं और जो हमारी पुलिस की टीम है, सभी के साथ जब आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया तो इन बच्चों के जब देखा गया, लगभग 24 बच्चे यहाँ पर हैं जिनके सभी बच्चों को एलर्जी हो रखी है, सभी के बड़े बड़े से फोड़े निकले हुए हैं, खुजली कर रहे हैं बच्चे, बच्चे को TB भी है, बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, बच्चे कुछ नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए उस बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमारी जो भी रिपोर्ट है वो हम आगे इसमें प्रेषित कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने मदरसा संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मदरसे को सील कर दिया गया है। और वहीं मदरसे के मौलवी ने आरोपों को खारिज करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, विवाद ये है कि ये गरीब यतीम बच्चे हैं, हम इसको पूर्ण कोशिश करते हैं अच्छी तरबियत शिक्षा देने के लिए। स्कूल कॉलेज से हटा हुआ बच्चे हैं, यतीम गरीब बच्चे हैं, एक समाज कल्याण मूलक दसियों साल से ये काम कर रहा है मदरसा है। अरे, इस संस्था की एक बहुत बड़ा नाम है, पास आउट होके गया ये नया बच्चा आए हैं, इन बच्चों को हम तालीम और तरबियत के साथ अच्छी संस्कार भी देते हैं। इनमें से होंगे एक दो बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों के पास गया, यही बात है और क्या है। TB की पेशेंट उसका बाकायदा सुशीला तिवाड़ी में इलाज चल रहा है, उसका बिस्तर रहन सहन सब अलग कर रखा, लेकिन फिर भी वो बच्चे साथ हैं। वो कल जाएंगे, संडे है, कल उनका इलाज के लिए जाएंगे, उसकी दवाई चल रही है।